हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेरन भाई। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो भी पतंजलि का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, जिसका नाम है पतंजलि सौंदर्य कोको बॉडी बटर क्रीम के बारे में। पतंजलि सौंदर्य कोको बॉडी बटर क्रीम एक आयुर्वेदिक क्रीम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से त्वचा विकारों और रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। पतंजलि सौंदर्य कोको बटर क्रीम की मुख्य सामग्री नारियल, बादाम और खीरा है। पतंजलि सौंदर्य कोको बॉडी बटर क्रीम चिकनाई रहित है और इसमें फलों के आवश्यक तत्व शामिल हैं जो लंबे समय तक जल योजन के साथ त्वचा को पोषण और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे त्वचा नरम और मुलायम हो जाती है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये रूखी त्वचा को मुलायम बनाती है, साथ में त्वचा को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित करती है। इसके मुख्य इंग्रीडियंट्स हैं कोकोनट ऑयल, शिया बटर, कोको बटर, ऑरेंज, एवोकेडो, एलमंड, कुकुम्बर, विटामिन ए और विटामिन ई। ये सारे इंग्रेडिएंट्स रफ और ड्राई स्किन को रिजुविनेट करते हैं। ये पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसके फायदों की बात करें तो ये त्वचा को पोषण और सुरक्षा देता है। ये त्वचा की नमी में सुधार लाता है और त्वचा की परतों के बीच नमी बनाए रखने और नमी को नुकसान को रोकने में मदद करता है। ये रूखी और बेजान त्वचा के लिए फायदेमंद है। ये आपकी त्वचा को लंबे समय तक नरम, चिकना, पोषित और हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। ये क्रीम सनटैन, मामूली निशान, व्हाइट हेड्स और सेंसिटिव स्किन के लिए उपयोगी है। इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्सों में से एक नारियल तेल है। कोकोनट में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो सूजन को शांत करने में मदद करते हैं। ये मुहासों को कम करने में भी मदद करते हैं। इसका दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है शिया बटर। शिया बटर में सुखदायक और एंटी एजिंग गुण होते हैं जो त्वचा को मुलायम बना सकते हैं और उम्र बढ़ने को कम करते हैं। शिया बटर में एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एक अच्छा इमोलियंट होता है जिसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट लंबे समय तक चलता है। इसका तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट घटक है कोकोआ बटर। कोको बटर में फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है, यही कारण है कि इसे अक्सर त्वचा को हाइड्रेट और पोषण देने और लोच में सुधार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। कोको बटर में मौजूद फैटी त्वचा पर नमी बनाए रखने के लिए एक सुरक्षात्मक बाधा बनाती है। इसमें ऑरेंज होती है, संतरे, काले धब्बे, मुहासे के निशान और अनइवन स्किन टोन को हल्का करने में मदद करते हैं और आपकी त्वचा को साफ, स्पष्ट और हेल्दी महसूस कराते हैं। अगर आप इरिटेटेड और सेंसिटिव स्किन से परेशान हैं तो ऑरेंज आपके लिए एक अच्छा समाधान हो सकता है। इसमें एवोकेडो का इस्तेमाल हुआ है। एवोकेडो का चमकीला हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति को इंगित करता है। एवोकेडो आपकी त्वचा को चमकदार और युवा दिखा सकता है। एवोकेडो में विटामिन ए मौजूद होता है जो कोलेजन को पुनर्स्थापित करता है। विटामिन ई और सी आपकी स्किन को सनरेज से बचाती है और इसका एंटीऑक्सीडेंट काले धब्बों की उपस्थिति में सुधार करते हैं। इसमें एलमंड होता है, यानी बादाम का तेल होता है। एलमंड्स आर रिच इन मिनरल्स जिसमें जिंक और सिलेनियम पाया जाता है जो स्किन को इम्प्रूव करता है और ग्लोइंग स्किन देता है। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि बादाम का तेल त्वचा को काफी हल्का या काला कर सकता है। इसमें कुकुम्बर का इस्तेमाल हुआ है। खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है जो आपकी त्वचा को आराम पहुंचाती है और उसे हाइड्रेटेड रखती है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में भी कार्य करती है और आपकी त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा खीरे का टोनर तेलीय त्वचा में मदद करता है। खीरे की ठंडी और ताजगी देने वाली प्राकृतिक त्वचा की कई समस्याओं जैसे जलयोजन, लालिमा, त्वचा की उम्र बढ़ना, सूजन, जलन के इलाज में मदद करती है। इसमें विटामिन ए और ई दोनों होते हैं। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो नाजुक त्वचा को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। ये ह्यूमेक्टेंट और इमोलियंट दोनों हैं। विटामिन ए और ई के संयुक्त उपयोग से त्वचा स्वस्थ होती है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है और साथ ही मुक्त ऑक्सीजन रेडिकल्स से बचाव होता है। इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की होती है। ये एक मेड इन भारत प्रोडक्ट है। इसको बोथ मेल और फीमेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको पतंजलि सौंदर्य कोको बॉडी बटर क्रीम के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।